21वें फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच के मुकाबले में जापान ने सेनेगल को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। उतार चढ़ाव से भरे इस मुकाबले में दोनों टीमों ने बराबरी का खेल दिखाया। हालांकि सेनेगल के खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक क्षमता का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की और जापान के खिलाफ कई फाउल किए, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस मुकाबले को अपनी झोली में नहीं डाल पाए। अपने पहले मुकाबले में जापान ने कोलंबिया को और सेनेगल ने पोलैंड को शिकस्त दी थी, पर यह मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो गया। खेल के 11वें मिनट में सेनेगल के यूसुफ सवाली के गोल करने के प्रयास को जापान के गोलकीपर इजी कावाशिमा ने बचा तो लिया था, पर गेंद उनके हाथ से छिटक गई और पास में ही खड़े सेनेगल के स्टार खिलाड़ी सादियो माने के पैरों से लगकर गेंद गोल पोस्ट में चली गई और इस तरह से सेनेगल के खाते में पहला गोल आ गया। और 34वें मिनट में यूटो नागा टीमों से मिले पास पर ताकाशी इनो ने गोल करके जापान का स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। और पहले हाफ में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ के 58वें मिनट में जापान के माकोटो हासेबे को एम्बाए नियाग ने गलत तरीके से रोकने की कोशिश की, जिससे हासेबे को चोट आई और उनके नाक से खून निकलने लगा और उन्हें उपचार के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद खेल के 71वें मिनट में एम्बाए नियाग के पास पर मूसा वागियू ने गोल करके सेनेगल को 2-1 की बढ़त दिला दी और इसके ठीक 17 मिनट बाद ही जापान के केसुके होंडा ने गोल करके अपनी टीम को 2-2 की बराबरी पर ला दिया और ये स्कोर खेल के अंत तक बरकरार रहा।